इधर आपको आई बटन कंप्लीट प्लेलिस्ट में जाएगा मैट्रिसेस का। ओके, तो ये जो है वीडियो नंबर 60 है, और यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 60 है, ध्यान रखिएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन मैट्रिक्स नोटेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे हर एक टर्म में क्या है, इसका जो डिग्री है दैट इज 2। ओके, यहाँ पे देखो 2 2 2 है ना। देखो सब जगह क्या है, सभी जगह आप देखोगे तो सभी टर्म्स में क्या होंगे, आपकी डिग्री वहाँ पे 2 होंगी। तो मुझे करना क्या है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स नोटेशन में मुझे यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे एक एक करके जो है यहाँ पे अपन इसको देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो अपने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy+2y² दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम पहले वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं अब यहाँ पे। ओके, तो अगर आपने मेरा वीडियो नंबर 57 देखा होगा तो उसमें बताया था मैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म होता कैसा है। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्म को अगर अपन तो मैट्रिक्स नोटेशन में देखेंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज एक्स की पावर टी इंटू ए इंटू एक्स। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे एक्स क्या होगा, जो कि यहाँ वेरिएबल्स हैं, दैट इज यहाँ पे देखो क्या क्या वेरिएबल, यहाँ पे एक्स और वाई है। ओके, तो उसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे, पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स और वाई को लिख लेंगे। ये अपना एक्स हो गया, यहाँ पे अपना क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्या है, ये कैपिटल एस मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स मैट्रिक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम मैट्रिक्स, उसको अपन यहाँ पे ट्रांसपोज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स और ये अपना क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ओके, तो अब बात आती है यहाँ पे क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम पहले क्या करेंगे, यस यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और जो वाई स्क्वायर लिखा हुआ है उसके कोफिशियंट को हम यहाँ पे डायगोनली लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर तो क्या लिखा, 1 लिखा, यहाँ पे देखो अपने क्या है, 2 लिखा हुआ, तो हियर इट इज 1 एंड हियर इट इज 2, लिख लिया इसको अपन। ओके, लिखने के बाद देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, मान लो ये एक्स का रो है और ये अपना क्या है, वाई का रो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो देखेंगे क्या होगा, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। देखो इसका कोफिशियंट क्या है, -4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ देंगे। ठीक है, जिसके एडिशन से क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे -4 मिलेगा, दैट इज -2 -2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -2 और यहाँ पे हम लिखेंगे फिर यहाँ पे -2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया पहले वाले पार्ट का मैट्रिक्स नोटेशन। ओके, अब हम सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो सेकेंड वाले पार्ट के लिए देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन सा है, एक्स वाई और जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, सेकंड वाले पार्ट के लिए लिखता हूँ यहाँ पे, एग्जैक्टली वही रहेगा रिप्रेजेंटेशन, एक्स ट्रांसपोज ए फिर यहाँ पे एक्स ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पे अपने पास वेरिएबल देखो कितने हैं, 3 वेरिएबल है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले, यस यहाँ पे लिख लिया हमें एक्स वाई और ये अपना क्या हो गया, जेड हो गया। ठीक है, ये किसको बिलोंग करेगा, ये यस ये जो एक्स दिख रहा है यहाँ पे उसका है ना, ये एक्स अपना क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। ओके, और यहाँ पे अपना ये एक्स ट्रांसपोज क्या हो जाएगा अपना, ये ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे तो क्या होगा, ये रो मैट्रिक्स बन जाएगा, ये दैट इज एक्स वाई एंड दिस इज जेड, हो गया यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा अपना, ये यस दैट इज ए मैट्रिक्स अपन यहाँ पे लिखेंगे अब। ओके, ए मैट्रिक्स से देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखिए आप। देखो पहले हम देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोफिशियंट में क्या लिखा हुआ है, दैट इज 2 4 एंड -5, उसको क्या करेंगे डायगोनली यहाँ पे उसको पहले अपन लिख लेंगे, दैट इज 2 4 एंड -5, लिख लिया इसको यहाँ तक का। ओके, अब देखो ये किसका है रो, ये कौन सा रो है, एक्स का है, ये वाई का, ये जेड का है, लेट्स सपोज। तो यहाँ देखो क्या लिखा, एक्स वाई लिखा कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक एक्स का आएगा, एक वाई का आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस -2 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसको ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, दैट इज -1 -1। ओके, अब यहाँ पे लिखना है मुझे, यहाँ के दो एलिमेंट्स को जो लिखना है, ये किसका हो गया, एक्स का हो गया, या किसका हो गया, ये जेड का हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे एक्स और जेड का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या, दैट इज -4, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर, दैट इज -2 -2। यहाँ पे देखिए दिस इज -2 दिस इज ऑल्सो -2, हो गया यहाँ तक का, फैंटेस्टिक। अब यहाँ पे देखो ये किसका है, ये सेकंड रो का है, दैट इज एक वाई, और अपने किसका जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वाई और जेड का मल्टीप्लिकेशन का देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कोफिशिएंट दैट इज 6 लिखा हुआ है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये अपना हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म टू मैट्रिक्स नोटेशन। ओके, सेकंड वाला पार्ट भी ओवर हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाले पार्ट में आएंगे, दैट इज यहाँ पर देखो कितने वेरिएबल्स आपके यहाँ पे दिया हुआ है, x1 x2 x3 एंड x4, 4 यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा है ना,
फोर बाय फोर मैट्रिक्स का बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, दैट इज एक्स के पावर, हाँ एक्स ट्रांसपोज ए एक्स हो गया। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यस। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे अपना क्या बनता है, जो कॉलम वेक्टर बनता है, कॉलम मैट्रिक्स बनता है। ओके, ये अपना क्या है एक्स, और वैसे यहाँ पे क्या बनता है अपना, ये यस टी एक्स का ट्रांसपोज बनता है। तो यहाँ पे अपने क्या रहेगा, रो मतलब रो मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे वही लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे देखो क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर, ये अपना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए लिखेंगे, और यहाँ पे अपना साइड में क्या जाएगा, यस ये जो है ना, इसको अपन कॉलम वाइज लिखेंगे, दैट इज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड ये एक्स फोर। ठीक है जी, ओके यहाँ तक देख लिए। अब हमको करना क्या, इसको फिलअप करना है। तो यहाँ पे देखते हुए चलते हैं, देखो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर कोफिशियंट क्या है, वन टू वन माइनस वन, तो वन टू वन एंड दिस इज माइनस वन। ओके, इसको लिख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखना है मुझे, तो ये एक्स वन एक्स टू कौन होना चाहिए, देखो एक्स वन एक्स टू कोफिशिएंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस टू लिखा हुआ है, तो उसको अपन डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज माइनस वन एंड दिस ऑल्सो माइनस वन, लिख लिए इसको। ओके, अब यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा एक्स वन और ये अपना हो जाएगा एक्स थ्री का। तो देखो यहाँ पे एक्स वन एक्स थ्री कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिया, माइनस फोर दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस दैट इज माइनस टू एंड हियर इट इज ऑल्सो माइनस टू। ओके ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब देखो अगला, देखो कौन सा दिया हुआ है, एक्स वन एक्स फोर लिखा हुआ है, तो एक्स वन और ये एक्स फोर। ओके, बट यहाँ देखो कोफिशिएंट क्या लिखा है, टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, यस यहाँ पे अपना आएगा वन, और यहाँ पे अपना क्या आएगा, वन आएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका। अब यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स टू एक्स थ्री लिखा हुआ है, एक्स टू एक्स थ्री मतलब ये अपना हो गया एक्स टू का और ये अपना हो गया एक्स थ्री का, तो यहाँ पे और यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फोर लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिखो टू और यहाँ पे लिखो अगेन टू, लिख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो एक्स टू एक्स फोर, एक्स टू एक्स फोर मतलब ये अपना हो गया एक्स टू का और ये अपना हो गया एक्स फोर का, तो यहाँ पे और यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्या आएगा देखो, तो इसका हाफ दैट इज माइनस थ्री एंड हियर इट इज ऑल्सो माइनस थ्री, हो गया यहाँ तक का, यस। लास्ट देखो कहाँ से कहाँ आएगा, ये अपना थर्ड रो है ना, एक्स थ्री का हो गया, ये अपना एक्स फोर हो गया, तो एक्स थ्री एक्स फोर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे, यस दैट इज फोर एंड दिस इज फोर। ओके, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम, देखो ये अपना क्या थे, क्वाड्रेटिक फॉर्म थे। ओके, और ये सब अपने क्या थे बताओ, मैट्रिक्स नोटेशन था। ओके, थैंक यू सो मच।